एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 और 2, 3 एक पॉइंट से पास हो रही है। तो देखो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं पहले। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया मैंने, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, इनके साथ में इक्वल इंटरसेप्ट काट रही, मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ ये कट करी और उतनी डिस्टेंस यहाँ कट करी, तो ऐसी जा रही है वो लाइन। मान लीजिए ऐसी कोई लाइन है, ये ए और ये बी, तो ये एक्स एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट है OA और ये वाई एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट है OB। ये दोनों इक्वल है, ये भी A के इक्वल काट रही और ये भी A के इक्वल काट रही, A और B रहता है लेकिन दोनों इक्वल इंटरसेप्ट काट रहे, और ये लाइन एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, 2, 3 इससे पास हो रही है, यहाँ तक 2 और यहाँ तक 3, तो ये 2, 3 पॉइंट से पास हो रही। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसमें कंडीशन दी है कि ये जो ये x एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट ये y पे, तो ये दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, इट इज गिवन, ये गिवन है। तो देयरफॉर इसमें आप a के प्लेस पे b रख दो या b के प्लेस पे रख दो, तो मैं रख देता हूँ x अपॉन a प्लस y अपॉन b के प्लेस पे रख दिया इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो आप, ये आपका आंसर है। अब इसके अंदर ये a जो है, जो अपन ने सपोज किए कि x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट कट कर रहे, इस a की वैल्यू निकाल के रखना है। सिचुएशन समझ आ रही है आपको क्वेश्चन की, इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में मैंने लाइन का इक्वेशन ले लिया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसमें a इज इक्वल टू b दिया हुआ कि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही, तो b को a के इक्वल या a को b के इक्वल रख देंगे इसमें, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर खाली a की वैल्यू निकाल के रखना है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अब एक कंडीशन दी हुई है a की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो लाइन है लाइन 1 ये वाली, ये एक पॉइंट 2, 3 से पास हो रही, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दो, x के प्लस पे 2 y के प्लस पे 3 रख दो। बट दिस लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट, द पॉइंट 2, 3, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करा दो, x के प्लेस पे रख दो 2 अपॉन a प्लस y के प्लेस पे 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लो a और a का एलसीएम, a से डिवाइड के 1 का इनटू करे 2, a से डिवाइड के 1 का इनटू करे 3 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 + 3 = 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 5। इस a को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन कुछ भी लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो 5 एलसीएम ली, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y इज इक्वल टू 1, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस y इज इक्वल टू 5 बन जा 5,
बस यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ये उस लाइन का इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है और 1.2,3 से पास भी हो रही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। क्या बोल रहा है, लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट वो कट कर रही है, उन इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है आपको 9 के इक्वल। तो एक्स एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट ए रहता, वाई एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट बी, तो कंडीशन दी है ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। इसका यूज करके हम लाइन का इक्वेशन निकाले और वो लाइन 1.2,3 से पास भी हो रही है। तो डायरेक्ट मैं लाइन का इक्वेशन ले लेता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में, और उसके जो इंटरसेप्ट है उन दोनों का सम 9 ले लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, और उसको अपन 2,3 से पास करा देंगे, तो उससे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के वहां रख देंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये अपना आंसर है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसके अंदर आपको ए और बी की वैल्यू निकाल के रखना है। द सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एटीसी ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये गिवन है हमको। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, एक ही निकाल लो या बी की, तो मैं बी की निकाल लेता हूँ एक के टर्म में, बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। जब अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ रख के बी की वैल्यू निकालना, और ए और बी आने के बाद यहाँ रख दे, रखो इसको अब इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के प्लेस पे ये रख दो 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में ए भी आ जाएगा और 9 माइनस ए भी आ जाएगा, ए कैंसिल, 9 माइनस ए का एक्स में इंटू 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 9 माइनस ए कैंसिल, ए का इंटू वाई में ए वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए, ब्रैकेट खोल के कुछ खास नहीं होगा, इसको दे दो इक्वेशन, दे चुके थे अपन, थर्ड दे दो। अब ये लाइन आ गई, अब ये लाइन एक पॉइंट, मतलब ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ आने के बाद में यहाँ रखेंगे तो बी की आ जाएगी, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालने, तो इसके लिए ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है 2,2 से, तो 2,2 से इसको सेटिस्फाई करा दो। बट दिस लाइन थर्ड passes through the point क्या 2,2, therefore इसको satisfy करा दो, x के place पे 2 रख दो और y के place पे भी 2 रख दो यहाँ, so 9 minus a into 2 plus a into 2 is equal to a 9 minus a, solve करो इसको, 9 टू जा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, ये 2a पॉजिटिव 2a नेगेटिव को तो कैंसिल करो, 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, इधर शिफ्ट करके ले आओ, माइनस a स्क्वायर विल बिकम प्लस a स्क्वायर, माइनस 9a विल बिकम माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, हियर एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसकी मिडिल टर्म माइनस 9 को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट मीन्स 18 ए स्क्वायर आ जाए, प्लस करने पर माइनस 9, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, बट सम नेगेटिव है इसलिए दोनों नेगेटिव नंबर सोचना आपको, तो बताओ दो नेगेटिव नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 ए स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पर माइनस 9 है, ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 6 ए, माइनस 3 ए
माइनस सिक्स ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18 ए स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जब अपन माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 9 ए आ जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दो दो में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन ए माइनस 3, यहां से माइनस 6 कॉमन निकाल लो, ए माइनस 3, ए माइनस 3 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, ए माइनस 3 आपने कॉमन निकाले तो ये ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आइदर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर आइदर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 6, दो वैल्यू आ गई है, दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यू है। अब ए की दो वैल्यू आई तो बी की भी दो आएगी, इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में रखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या था, इक्वेशन सेकंड बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए, बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए, ये रहा। इसमें पुट ए इज इक्वल टू 3 और इस साइड में पुट ए इज इक्वल टू 6, पहले यहां पे रख देते 3, ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सो बी इज इक्वल टू 6, और यहां रख दो ए इज इक्वल टू 6, तो बी इज इक्वल टू 9 माइनस 6, सो बी इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3। अगर ए की वैल्यू आप 3 लेंगे तो बी 6 लेना है, ए की वैल्यू 6 लेंगे तो बी को 3 लेना है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो अपना आंसर आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू आपको यहां रखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स अपॉन ए की वैल्यू 3 रख रहा हूं प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू आपको 6 रखना पड़ेगा इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लो, 6 3 18, ये 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 और 6 का 3 से डिवाइड करें 2 टाइम, 2x 6 से डिवाइड करें 1 टाइम इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये एक आंसर आ गया आपका। ऐसे ही अपन यहां रखते अगर और करके x अपॉन a की वैल्यू रख दो 6 और b की 3, a की 6 रखें, y अपॉन b की रखें 3 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो 6 एलसीएम, 6 से डिवाइड करें 1 का इनटू करें x, 3 से डिवाइड करें 2 का इनटू करें 2y इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये दो इक्वेशन आ गए भैया आपके, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो सकता है इक्वेशन, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये दोनों ही आंसर है इसके, ये भी हो सकता आंसर और ये भी हो सकता आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। देखिए दो पार्ट में क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है थ्रू द पॉइंट जो 0, 2 पॉइंट से पास हो रही है, और मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 2π/3 मतलब 120 डिग्री का एंगल बना रही, एक पॉइंट से जा रही है और इतना एंगल बना रही, पहले ये वाला इक्वेशन निकाल लेते, फिर आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, अब ये जो लाइन आप पहले पार्ट में निकालेंगे इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, एंड इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, और वो लाइन क्या कर रही जो आप इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकाले, वो लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट के ऊपर क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको उस लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट वाली लाइन के पैरेलल होगी और जो y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है वहां से,
देखिए मैं डायग्राम बताता हूँ इसका, तो ये क्लियर हो जाएगा। डायग्राम दो पार्ट में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दो इक्वेशन निकालने हैं आपको लाइन के, छोटा सा ग्राफ ले लेता हूँ, डायग्राम क्लियरली समझ में आएगा उससे। चल देखिए, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए और ये वाई एक्सिस। ग्राफ भी बना सकते हैं अपन, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 0.2, 0.2 पॉइंट जा रही, तो 0.2 को प्लॉट कर लेता हूँ मैं पहले। तो देखो 0 तो ये हो गई, 2 1 2 यहाँ से जाएगी, ये पॉइंट है 0.2, ये है 0.2, यहाँ से पास हो रही वो लाइन। और क्या कर रही है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री, तो ये 90 तो ऐसा रहता है आपका, 120 ऐसा होगा, तो ऐसी लाइन जाएगी 120 डिग्री। तो मैं ऐसी एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए। देखो ये यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 2π/3 का एंगल बना रहा है। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 120 का एंगल बना रही है और 0.2 पॉइंट से पास हो रही है। इसका इक्वेशन निकालना हमको पहली बात। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऐसे निकालना है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट की नीचे डिस्टेंस को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो अभी देखो ये ओरिजिन है, इससे 2 यूनिट के नीचे डिस्टेंस 1 2, ये -2 आ गया समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे अपन, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नीचे है ओरिजिन के तो -2, 0, -2 से क्रॉस होती हुई जा रही। तो अब लाइन का इक्वेशन कैसा बनेगा आपका, ये ऐसी लाइन जाएंगी जो इसके पैरेलल भी रहेगी और ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट पर इसको क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को। इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, दिख रही है आपको पैरेलल करीब करीब ऐसी लाइन। देखो ये ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट के ऊपर क्रॉस करती हुई जा रही वाई एक्सिस को और इस लाइन के पैरेलल है। तो हमको इसका भी इक्वेशन निकालना है और इसका भी इक्वेशन निकालते हैं। पहले हम इसका इक्वेशन निकालते हैं, फिर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए देखो, एक पॉइंट से जा रही है और इसका स्लोप निकाल लेते हैं अपन। थीटा दिया हुआ है अपने को इतना, तो स्लोप आ जाएगा। तो फिर अपने पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y-y1 = mx-x1, उससे डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा इसका। फिर इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकाल लें। तो पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट है 0.2 इजिकल टू x1 y1 बोल दिया मैंने, मतलब x1 = 0 और y1 = 2। थीटा इजिकल टू 2π/3। तो सिंस स्लोप m = क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा की वैल्यू 2π/3, 2π/3 को 120 डिग्री बोल सकते हैं आप, 120 डिग्री बोल सकते हैं, टेन 120। अब 120 की वैल्यू अपने को याद नहीं है, इसको क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। आपको पता है 120 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो इसको अपन 180-60 लिख सकते हैं, 90+30 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 180-60 लिख रहा हूँ इसको, 180 में चेंज नहीं करना पड़ता। आप 90+30 लिखेंगे तब भी आंसर ठीक आएगा। तो ये आ गया आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव देयर, टेन वहां पर नेगेटिव होता है, ये माइनस आ जाएगा पहले। फिर 180 के केस में नो चेंज रहता है, 90 और 270 में चेंज होता है, 180 में नो चेंज। तो टेन का टेन माइनस टेन 60 डिग्री हो गए, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद होना चाहिए √3। तो इसका स्लोप आ गया अपने पास में -√3। अब लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट निकाल लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0.2 विथ स्लोप -√3 विल बी
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये अब इसमें पॉइंट रख देते हैं, एक्स वन वाई वन के प्लेस भी है 0.2 और एम की वैल्यू माइनस थ्री निकाले। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 2, एम माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 0। इसको सॉल्व कर लो, y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स इंटू कर लेते हैं, इसका जीरो था छोड़ दो, रूट थ्री एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस रूट थ्री एक्स विल बिकम प्लस रूट थ्री एक्स प्लस y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बस ये एक आंसर आ गया आपका, ये आ गया आपका इस लाइन का इक्वेशन जो 0.2 पॉइंट से पास हो रही है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के में 2 पाई बाई 3 का एंगल बना रही है। अब हमको क्या करना है, इसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रही है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट के ऊपर y एक्सिस को क्रॉस करती है इसी जा रही है और इसके पैरेलल है। तो अब इसका इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूं, पहली वाली लाइन को L1 नाम दे दो और दूसरी वाली को L2 दे दो। तो L1 और L2 आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन अपने पास में कि M1 is equal to M2, उनकी स्लोप इक्वल होगी। अपने पास में ये वाली लाइन की स्लोप है माइनस रूट थ्री, तो इसकी स्लोप भी माइनस रूट थ्री हो जाएगी। नाउ L1 is parallel to L2, therefore M1 is equal to M2. Slope of parallel lines equal. So slope of L2 क्या हो जाएगा? Is equal to slope of L1. Slope of L2 को भी minus root 3 ले लेते हैं। Slope of L2 आ गया minus root 3, क्योंकि slope of L1 भी आपका minus root 3 था। ये था उतना ही आ गया। अब अपने पास में देखो L2 लाइन का स्लोप भी है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन L2 थ्रू 0, -2 विथ स्लोप माइनस रूट थ्री विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वही वाला, लग दो इसमें वैल्यू, y माइनस वाई वन की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल टू एम माइनस रूट थ्री है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू जीरो। इसको सॉल्व करो, y माइनस माइनस का इंटू प्लस टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स, माइनस रूट थ्री एक्स को इधर सेप्ट कर लो, रूट थ्री एक्स प्लस का हो जाएगा प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपका L2 लाइन का इक्वेशन आ गया विच इज पैरेलल टू द L1, थ्री रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। देखो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो पैरेलल लाइन केवल कांस्टेंट टर्म में डिफर होती है, ये माइनस टू है और ये प्लस टू, बाकी एक्स और वाई के कोफिशियंट सेम रहते हैं उसमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट माइनस टू कॉमा नाइन। ओरिजिन से जब आप लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन से किस पॉइंट पे मिलेगा, माइनस टू कॉमा नाइन के ऊपर मिलेगा। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। डायग्राम से बताता हूं आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, एक लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मीट्स इट एट द पॉइंट माइनस टू कॉमा नाइन। वो परपेंडिकुलर उस लाइन से माइनस टू कॉमा नाइन वाले पॉइंट पे मिलता है, तो पहले मैं ये वाला पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ माइनस टू कॉमा नाइन। तो एक्स एक्सिस पे माइनस टू माइनस वन माइनस टू यहाँ आ गया मान लीजिए, और प्लस नाइन यहाँ आ गया, करीब करीब यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लेते नाइन। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है,
ये पॉइंट है -2,9, इसको कोई नाम दे देता हूँ मैं, पी पॉइंट दे देता हूँ इसको, ये पी पॉइंट है। देखो कैसे -1 -2 ले लिया और ये 9 है, ये पॉइंट है। अब इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसा, तो वो इस लाइन से मिल रहा है, इस लाइन से कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इस पॉइंट से लाइन जा रही होगी और उसको परपेंडिकुलर आपको लेना है। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए लाइन के साथ में, कुछ इस टाइप की लाइन होगी, ये लाइन है। अब देखना इसको, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है -2,9, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर मिलता है ओरिजिन से ड्रा किया हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने वाली लाइन है, ये 90 डिग्री। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसको एल बोल देता हूँ। आ रहा क्वेश्चन समझ में? थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ से परपेंडिकुलर टू अ लाइन, एक लाइन का परपेंडिकुलर मीट्स इट, मतलब लाइन के ऊपर कहाँ मिलता है, एट द पॉइंट -2,9, तो ये लाइन के ऊपर एक -2,9 है, इसके ऊपर मिलता है ओरिजिन से ड्रा किया हुआ परपेंडिकुलर, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अपने पास में ये वाली लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है ना, ये पॉइंट है अपने पास, अपने को इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो अब इस लाइन का स्लोप अपने पास में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रा किया, ये भी एक लाइन ही है, तो इसके लिए ये एक पॉइंट -2,9 है और ये ओरिजिन से पास हो रहा था, ये 0,0। तो अब देखो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आ गई, ये ओपी, तो मैं ओपी का स्लोप निकाल लेता हूँ, फिर ओपी जो है एल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर रहती तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, तो यहाँ से ओपी का स्लोप रख देंगे और एल का स्लोप निकाल लेंगे। जैसे ही एल का स्लोप आया, एल -2,9 से पास हो रही, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म रख देंगे y-y1 = mx-x1, तो आंसर आ जाए। ठीक, तो चलिए अब अपना O ले लेते हैं अपन, ये है ओरिजिन, ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट है 0,0, इसको ले लेता हूँ मैं x1 y1, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने हैं -2,9, इसको ले लेता हूं मैं x2 y2, ऐसा सपोज कर लिया मैंने ऐसा। अब स्लोप ऑफ ओपी निकाल लो, देयरफॉर स्लोप ऑफ ओपी निकाल लो, पहले स्लोप ऑफ ओपी, ओपी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 upon x2 - x1, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन का स्लोप होता है, वैल्यू रख दो इसमें, y2 की वैल्यू ले लो 9, -y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 upon -2, माइनस साइन को ऊपर कर दो तो -9 upon 2, ये स्लोप आ गया आपका ओपी का। अब देखो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल है ना, सेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1, यह है अपने पास में m1 into m2 = -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ओपी अपने पास में आ गया है -9 upon 2 इंटू स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1, ये दोनों साइड से -1 - 1 कैंसिल कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 upon 9 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू 2 upon 9। अब अपने पास में एल का स्लोप भी आ गया, देखो ये एल का स्लोप आ गया और एल -2,9 से पास हो रही, तो डायरेक्ट इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ लाइन एल थ्रू पॉइंट -2,9 विथ स्लोप
टू अपॉन नाइन विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। इसको m बोल सकते हैं अपन, n सपोज कर लो इसको, तो l का जो स्लोप आया उसको n बोल सकते हैं। रख दो इसमें वैल्यू y माइनस वाई वन की वैल्यू 9 इज इक्वल टू एम की वैल्यू 2 अपॉन 9, x माइनस एक्स वन के लिए माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 9 का। 9y माइनस 9 जा 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 जा 4। इधर शिफ्ट करके ले आओ माइनस 2x प्लस 9y माइनस 81 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंपल कर लो तो माइनस 2x प्लस 9y माइनस 85 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, माइनस 1 का इंटू कर लो तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये आपका उस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये है भैया उस लाइन का इक्वेशन, ये वाली L लाइन का इक्वेशन के ऊपर ओरिजिन से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर माइनस 2,9 पर मिलता था। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। The length L in centimeters of a copper rod is linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110 express L in terms of C। So L को हमको C के term में express कर। The length L in centimeter of copper rod, एक कॉपर की रॉड है उसकी जो लेंथ है वो एल है वो सेंटीमीटर में, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। एक लीनियर फंक्शन है किसका, उसके टेम्परेचर सेल्सियस में, उसके टेम्परेचर का एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब दोनों की हाईएस्ट पावर वन बन रही, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइप का होता है, तो ऐसा एक लीनियर फंक्शन है एल के अंदर और सी के अंदर। इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किसी ने किया तो एल उसकी जो कॉपर रॉड की जो लेंथ थी 124.942 थी, व्हेन सी इज इक्वल टू टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उस कॉपर रॉड की लेंथ इतनी थी, एंड एल इज इक्वल टू 125.134 ये इससे ज्यादा हो गया, बढ़ गई इसकी लेंथ, व्हेन सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, पहले टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब टेम्परेचर 110 डिग्री कर देंगे तो एक्सपांड होगी कॉपर की रॉड, तो एक्सपांड होगी 125.134 हो गई, तो एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, तो हमको एल की वैल्यू सी के टर्म में निकालना है। देखो आप इसको समझने की कोशिश करो, कॉपर रॉड की लेंथ और उसका टेम्परेचर सी, एक लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, हाईएस्ट पावर उनकी वन वन, एक लाइन के फॉर्म में है वो। तो अब टेम्परेचर जब 20 डिग्री था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कॉपर रॉड की लेंथ 124 पॉइंट कुछ थी, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिए 110 कर दिए, 20 से 110 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो उसकी लेंथ 124 पॉइंट समथिंग से 125 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा एक्सटेंशन या एक्सपांशन उसके अंदर हो गया। तो अब हमको एल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ टाइप का बना लेते हैं। मैं एक छोटा सा ग्राफ ले लेता हूँ, तो उससे मैं ग्राफ ले लूंगा तो ज्यादा बेटर वे में समझ आ जाएगा आपको। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, बीच से ले लो, ये एक्स ओ x डैश y o y डैश। अब x एक्सिस के ऊपर अपन उसका टेम्परेचर ले लेते हैं और y एक्सिस के ऊपर उसकी लेंथ ले लेते हैं। टेम्परेचर अपने को दिखाने में आसानी रहेगी, 20 डिग्री, ये 20 डिग्री और फिर 110 डिग्री, तो मैं x एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर ले लेता हूँ, x एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं अपन, c को ले लेते हैं, c टेम्परेचर है इन सेल्सियस, कायम रहेगा इन सेल्सियस, सेल्सियस सी आई यू एस इन सेल्सियस, टेम्परेचर सेल्सियस में ले लिया मैंने, और इधर ले लेता हूं मैं उसकी लेंथ, ये लेंथ है एल इन सेंटीमीटर, कॉपर रॉड की लेंथ सेंटीमीटर ऐसी ऊपर। अब पी को अपन ने एक्स एक्सिस पर लिए है ना, और एल को अपन ने वाई एक्सिस पर लिए, तो जो अपना
सी रहेगा वो एक्स के इक्वल रख देंगे अपन, और जो अपना वाई रहेगा उसको अपन एल के इक्वल रख देंगे। तो एल और सी में रिलेशन, जैसे एक्स और वाई में रिलेशन आता है ऐसा सी और एल में आ जाएगा। हमको करना क्या है, एल इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है। तो अब देखना कॉपर रॉड की जो लेंथ है कितनी थी, 124.94 थी व्हेन सी इज 20। तो मैं ये सी को 20 ले लेता हूँ। अब 20 कहाँ ले लो आप, इसको अपन देखो कितना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसको अगर अपन 20 ले ले तो ये 40 60 80 100 110 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 20, ये 20 लिया मैंने टेम्परेचर, यहाँ पे 20, तो 20 मान लीजिए यहाँ आ गया। तो इस पे उसकी लेंथ 124.942 थी, तो 124.942 को यहाँ ले लेते हैं अपन अंदाज से ऐसे ही, है ना, और 125 को थोड़ा सा उससे ऊपर ले लेंगे। तो 124 पॉइंट यहाँ आ गया मान लीजिए, एक पॉइंट आपका। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देता हूँ मैं क्या क्या, 20, 124.942, ये पॉइंट आ गया आपका एक, ए पॉइंट दे दो इसको नाम। अब जब टेम्परेचर बढ़ के 110 डिग्री हो गया, तो ये 20 था, 40 60 80 100, 110 ये आ जाएगा आधे में, यहाँ ले लो ये 110 यहाँ पे आया। तो उसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ आ गई, ये इतने को ले लेते अपन 125। ये 125 पॉइंट, ये बी पॉइंट है कोई, इसको ले लो 110 डिग्री टेम्परेचर और 125.134, इतनी लेंथ ले लिया मैंने इसकी। अब ये दोनों लीनियर फंक्शन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं कि स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं इधर भी, और इसको इधर बढ़ा देते हैं आगे, ऐसी लाइन मिल जाएगी आपको। ये लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन मतलब एक लाइन मिली आपको। तो अब आपको क्या करना है, इस एल की वैल्यू को सी के टर्म में निकालना, मतलब एक्स और वाई, एक्स के प्लेस पे सी और वाई के प्लेस पे एल रख देंगे, तो एल और सी आपका आ जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको, ये दो पॉइंट मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया कि जब टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेल्सियस था तो उसकी लेंथ 124.94 सेंटीमीटर थी, जब टेम्परेचर 110 डिग्री हुआ तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई उसकी लेंथ। तो अब देखो ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन दिख रही है आप, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स के प्लेस पे सी लिख देंगे, वाई के प्लेस पे एल लिख देंगे, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ए है आपका 20, 124.942 एंड बी है 110, 125.134 सेंटीमीटर वाला था है, विल बी। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, ये बी का इक्वेशन। फॉर्मूला अपने पास में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन। अब इसमें y माइनस y1 की वैल्यू, ये आपका x1 y1 है और ये x2 y2 है, y1 की वैल्यू 124.942 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 125.134 माइनस वाई वन की वैल्यू 124.942 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है आपका 110 माइनस x1 है आपका 20 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू, ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू 20। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, y माइनस 124.942 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, 3 3 4 - 2 करेंगे तो 2, 3 - 4 या 13 - 4 करेंगे तो 9, यहाँ 0 बचा, यहाँ से एक ले लिया, 10 - 9 करेंगे तो 1, और डेसिमल लगा दो, यहाँ बचा 4 आपका, 4 - 4 0, 2 - 2 0.192 आ जाएगा, अपॉन 110 - 20 90 आ जाएगा ना, ये 90 इंटू एक्स माइनस 20, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। y इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, 0.192 अपॉन 90
एन टू एक्स माइनस 20, खोलो मत इसको, और ये माइनस वाली टर्म को इधर कर लो, तो 124.942। तो ये तो एक्स और वाई में आया, अपने को काय में निकालना है, अपने को एल को सी के टर्म में निकालना है। तो देखो मैंने एक्स को सी पे लिया है, सी को एक्स पे लिया है और एल को वाई पे लिया है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू सी रख दो एंड वाई इज इक्वल टू एल रख दो, एंड वाई इज इक्वल टू एल, जहाँ अपन ने एक्सिस के ऊपर जैसा लिए वैसा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 0.192/90 इनटू एक्स को अपन ने सी लिए, सी माइनस 20 प्लस 124.942, बस यही आपका एल की वैल्यू हो गई सी के टर्म में। थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन है बस, और एक्स को अपन ने सी लिया है और वाई को अपन ने एल लिया, तो लास्ट में आप सी के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे सी कर दो और वाई के प्लेस पे एल रख दो, तो ये आपका एल जो है वो सी के टर्म में आ गया। ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। देखिए, एक ओनर ऑफ मिल्क स्टोर है, फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, हर हफ्ते हर वीक में वो 980 लीटर्स मिल्क जो है वो सेल कर सकता है, अगर उसका रेट वो ₹14 पर लीटर रखता है। तो अगर वो ₹14 उसका रेट लगता है तो वन वीक में वो 980 लीटर मिल्क सेल कर सकता है। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, अगर उसका रेट वो थोड़ा सा बढ़ा दे, ₹2 पर लीटर और बढ़ा दे, तो वो 1220 लीटर मिल्क सेल कर सकता है एक हफ्ते के अंदर, ऐसा वो ऑब्जर्वेशन करता होगा। अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, सेलिंग प्राइस मतलब कितना वो बेच रहा है और कितनी उसकी डिमांड है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, अगर वो उसके रेट को ₹17 पर लीटर कर दे मिल्क के रेट को, तो वो कितने लीटर दूध सेल कर सकता है ये कैलकुलेट कर। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस और डिमांड का एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के थ्रू क्या है, अपने को पोजीशन पूरी क्लियर हो जाएगी, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन आ जाएगी अपने पास में, और उसी में अपन लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के अंदर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अपने को जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो, और उस लाइन की हेल्प से या उस ग्राफ की हेल्प से अपन आसानी से अगर मिल्क का रेट ₹17 पर लीटर है तो उसकी कितने लीटर वो मिल्क सेल कर सकता है ये कैलकुलेट हो जाए। तो मैं एक छोटा सा ग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पर ग्राफ है मेरे पास, आपको ग्राफ पे बनाने के लिए समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको ग्राफ पे, मैं इसलिए इसको ग्राफ पे ले रहा हूँ, है अपने पास में फालतू पड़े तो ऐसा ले ले रहे हैं, आप रब बना सकते हैं। एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। अब देखिए यहां ले लेता हूं मैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस काय में रहती है, एन रुपीस, एन रुपीस, रुपीस में है सेलिंग प्राइस, और इधर ले लेता हूं मैं डिमांड, यह है डिमांड, डिमांड है इन लीटर्स, लीटर्स में डिमांड है 14, 15, 16, 17 ऐसा, ये 14, ये 15 और ये 16, 17 ऐसा आ जाएगा। तो ये 14 मान लीजिए मैंने यहां पे लिया, ये 14 है, ये ₹14, फिर 16 बेचा उसने ना, 14 के बाद में 15, ये 16 और ये 17, हाँ दो दो यूनिट को मैंने एक एक वो ले लिया, बीच में अपन चाहे तो यहाँ पे ऐसा वो पिंक विंक बना सकते हैं आप, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक के 14 का डिफरेंस है, फिर 1-1 का डिफरेंस है, जरूरत नहीं है ऐसे, मैं ग्राफ के थ्रू नहीं शो करना है, ऐसे ही बना दिया मैंने। अब देखिए, अब उसका रेट ₹14 था तो कितना सेल कर सकता था, 980, अब 980 कहाँ लेंगे अपन अंदाज से, 980 1200 इस टाइप से, तो 100 200 300 400 500 ज्यादा हो जाएगा,
चार छ आठ दस, ऐसा 2 to 100 ले लेता हूँ, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ये भी ज्यादा हो जाएगा है ना, 3300, 300, 600, 900, इस टाइप से अंदाज से ले लेते हैं 3300 एक एक। तो ये 300, 600, 900 और 80 यहाँ ले लेता हूँ अंदाज से, ऐसे एकदम अपने को वो नहीं बनाना, ये 980 में यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, ऐसे ही रफ। तो नेट हो गए आपके 14,980, ये वाला कोई पॉइंट आ गया, इसको ए नाम दे दिया मैंने। उसके बाद में जब उसकी सेल वो 16 रुपीज़ रखे तो 1220 है, तो 16 रुपीज़ वाला पॉइंट ये आ गया अपना। 1220 कितना हो जाएगा, 300, 600, 900, ये 1200 है ना, 1220 तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, यहाँ ले लेता हूँ मैं करीब करीब 300, 600, 900, यहाँ ले लो, यहाँ यहाँ पे ये एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट 16,1220 है ना। अब ये दोनों के लीनियर रिलेशनशिप है, दोनों को ज्वाइन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, जान तो सीधी लाइन कहां तक जा रही, इधर भी बढ़ा दो, ऐसी लाइन मिली। अब देखो वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए उसका रेट वो 17 रुपीज कर दे है ना, 17 रुपीज पर लीटर, तो वो इतना डिमांड आ जाएगी उसकी, इससे ज्यादा आएगी, ये वाला पॉइंट रहेगा आपका वो, ये वाला पॉइंट, इसको मैं पी बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ मैं 17, y, ये y की वैल्यू आपको निकालना है, y यदि आप निकाल देंगे तो कितने लीटर सेल होगा 17 रुपीज पे, वो आ जाएगा। ग्राफ आइडिया अपने को मिल गया कि 1220 से ज्यादा आएगा है ना, क्योंकि ये ऐसा बड़ा होता जा रहा ग्राफ, एक्सटेंड होती जा रही उसकी वैल्यू। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट कैसे यूज करता हूँ, मैं ए और बी ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन ले लेता हूँ, और इसी लाइन के ऊपर एक्स इज इक्वल टू 17 रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, बस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ले लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। तो अब देखो इसको ले लो आप एक्स वन वाई वन और इसको ले लो एक्स टू वाई टू, रखते वैल्यू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 980, 980, वाई टू, वाई टू आपका 1220, 1220 माइनस वाई वन है आपका 980, 980 अपॉन एक्स टू, एक्स टू आपका 16 माइनस एक्स वन है आपका 14 इंटू एक्स माइनस एक्स वन है 14, देखना वैल्यू सही रखा है। अब इसको सॉल्व कर दो, वाई माइनस 980 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो 0 माइनस 0 0, यहाँ से 12 माइनस 8 करेंगे तो 4, यहाँ 11 11 माइनस 9 2, 16 माइनस 14 2, एक्स माइनस 14, इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 2 जा एंड 120 टाइम कैंसिल हो गया वो। तो अब क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14 है ये, अब मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस 980 120x 0 14 2 जा 28 2 बचा 14 1 जा 14 और 2 16 y इज इक्वल टू निकाल लो 120x माइनस 1680 और ये माइनस 980 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 980 प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 120x 100 680 में से 980 माइनस कर लो 0 0 16 माइनस 9 7 700। चलो अब ये एक इक्वेशन आ गया अपना, अब क्या बोल रहा है कि अगर y की वैल्यू x की वैल्यू अगर 17 रख दे तो y की वैल्यू क्या होगी, y मतलब उसकी डिमांड। सो व्हेन x इज इक्वल टू रुपीज 17,
17 ऐसा कहाँ लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू 17 माइनस 700 जीरो, 72 जा 34, 317 बन जा 17 और 320 माइनस 700 जीरो, 420 माइनस 730 1340 लीटर, 40 लीटर्स, 1340 लीटर की डिमांड हो जाएगी भैया उसकी अगर वो रेट बढ़ा दे तो ना, वो दुकानदार जो दुकान में जो सामान लेके बैठे तो अंदाज लगाते हैं, सोच कि 14 रुपये रेट था तो 980 लीटर बेचा मैंने, है ना, उसके बाद अगर मैं 16 रुपये रेट कर दूंगा तो 1220, अगर मैं 17 रुपये रेट कर दूं तो 1340, मतलब उसकी सेल बढ़ जाएगी, है ना। उसने देखो पहले 2 रुपये बढ़ाया था 14 से 16, फिर 16 से 18 नहीं किया, 17 किया, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बराबर ये सब चीज सोचना पड़ता है, एकदम से नहीं बढ़ा सकते, एकदम से बढ़ा देंगे तो काम बेकार हो जाएगा, 980 लीटर बिकने वाला कोई आएगा नहीं दुकान में, तो ये सब चीज़ें तजुर्बे से दुकानदार लोग बड़े आइडिया से सब काम करते हैं, उनका बिजनेस आगे जाता है ना, नहीं तो कोई नया आदमी बैठेगा दुकान में दूध का रेट 50 रुपये लीटर कर दिया फट से, हाँ ये 14-15 रुपये लीटर चल रहा था 50 रुपये लीटर कर दिया तो एक भी नहीं आ रहा दुकान में, होता ना ऐसा। वैसे ये पुराने लीटर में है, ऐसे 14-15 रुपये में सिर्फ दूध को आप देख सकते हैं दूर से, मिलेगा नहीं 14-15 रुपये लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। क्या है कि पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस मतलब अपने पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट है P, तो आपको शो करना है कि उस लाइन का जो इक्वेशन है, वो जो लाइन सेगमेंट जिसका मिड पॉइंट P है उसका इक्वेशन x upon a plus y upon b is equal to 2 है। ये इक्वेशन देख के आपको समझ में आता है कि इक्वेशन जो है वो इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में अपने को लाइन का इक्वेशन प्रूव करना है। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि एक x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूँ फटाफट, ये रही अपनी x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये रब बना लिए ऐसे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन का ही मान लीजिए, ऐसा नहीं दूसरी एंग से लेते हैं, ये ऐसी कोई लाइन जा रही है, तो ये एक्सिस के बीच में ये वाला सेगमेंट मिला, इसको नाम दे दो ए, ये ए और ये बी, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट मिला आपको, एक्सिस के बीच में है, ये किसके बीच में, एक्सिस के बीच में ए और बी। अब इस ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो है पी, ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, तो अब आपको इस लाइन का इक्वेशन प्रूव करना है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। आ रही बात समझ में। अब इसमें ए और बी पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते, एक्स एक्सिस के ऊपर है ये ए पॉइंट, आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ए के कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो आप, क्या ले सकते हैं अपन ए के, ए कॉमा 0, तो आप ए यहाँ पे यूज हो गया है इसलिए मैं ए को नहीं ले रहा हूँ, ए के प्लेस पे कुछ भी ले लेता हूँ मैं, अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा कॉमा 0 वाई कोऑर्डिनेट 0। ऐसे ही बी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ तक की कुछ वैल्यू रहेगी वाई इंटरसेप्ट, इसको मैं बीटा ले लेता हूँ, तो बी के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बीटा ले लिया मैं, ए कॉमा 0 और 0 कॉमा बी लेते हैं अपन, लेकिन ए और बी यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन के अंदर इसलिए मैंने नहीं लिया, नहीं तो वो उससे क्रैश हो जाएगा। ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने सपोज कर लिए, है ना, तो अब हमको ये जो अल्फा और बीटा अपन ने सपोज कर, इसकी वैल्यू आपको ए और बी के टर्म में निकालना और उसको उठा के इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में रख देना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो अपने को प्रूफ करना है उसको लिख देता हूँ, ये आर टी पी, अपने को प्रूफ करना है कि जो लाइन का इक्वेशन है वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ करने के लिए P जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ये AB का, x upon a plus y upon b is equal to 2 प्रूफ करना, ठीक। मैं लाइन का इक्वेशन पहले सपोज कर लेता हूँ किस फॉर्म में, कि x upon a plus y upon b डायरेक्ट ही आ जाएगा, वो सपोज करने की जरूरत नहीं, अपनी ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, किससे, ए से और बी से,
ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, और उसमें ये जो ए पी पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, तो पहले मैं इसके थ्रू ये इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ अल्फा और बीटा की, ए और बी के टर्म, और डायरेक्ट अपन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन है ये इंटरसेक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले पी जो है इसका मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला था अपने पास में 10th क्लास से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। तो एक्स के प्लेस पे क्या है अपना, ए है, एक्स वन की वैल्यू ले लो आप अल्फा और एक्स टू की वैल्यू ले लो जीरो, तो अल्फा प्लस जीरो अपॉन टू, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो टू ए इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाल ले, एंड वाई इज इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका मिड पॉइंट का वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। वाई के प्लेस पे बी है आपका, तो ये बी, वाई वन की वैल्यू जीरो और वाई टू की वैल्यू बीटा, जीरो प्लस बीटा अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो टू बी इज इक्वल टू, टू बी इज इक्वल टू बीटा। अब अपने इसमें अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, दोनों रख देंगे अपन अल्फा और बीटा के प्लेस पे, अब अपने आप आ जाए, अब इस मिड पॉइंट का काम खत्म होगा जो अपन ने लिए थे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, यही प्रूव करना अपने को, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दो पॉइंट से जा रही, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, रख दो इसके अंदर वैल्यू, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू, ए वाले को एक्स वन वाई वन देंगे इसको और बी वाले को एक्स टू वाई टू, तो वाई वन की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की वैल्यू बीटा माइनस वाई वन की वैल्यू जीरो अपॉन एक्स टू की वैल्यू जीरो और एक्स वन की वैल्यू अल्फा, जीरो माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं, वाई बीटा अपॉन माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, अपने पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू उनको रख दो, वाई इज इक्वल टू, ये बीटा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू है टू बी और अल्फा की वैल्यू है टू ए, बीटा की वैल्यू रख दो टू बी, टू बी अपॉन अल्फा की वैल्यू टू ए एक्स माइनस टू ए। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस टू ए का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस टू ए वाई इधर टू बी का इंटू कर लो, टू बी एक्स माइनस टू टू जा फोर ए बी, फोर ए बी वाली टर्म को इधर ले आओ तो प्लस फोर ए बी हो जाएगा, टू बी एक्स को यहीं रहने दो और माइनस टू ए वाई को इधर लाएंगे तो टू ए वाई हो जाएगा, सबको टू से डिवाइड कर लो पहले, तो टू ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडिंग बाय टू, टू से डिवाइड किया। अब देखो अपने को एक साइड में क्या चाहिए, इधर अपने को टू चाहिए जो प्रूफ करना है, टू चाहिए तो टू को छोड़ दो, ए बी से इसको डिवाइड कर दो तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये टू बच जाएगा, यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन बी आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय ए बाय ए बी, ए बी से डिवाइड कर लो तो टू ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ए बी गया, बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल, क्या बच रहा भाई यहाँ आ गया आपका टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए को इधर लिख लो प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टू, हैंस प्रूव। देखो आपको यही प्रूव करना रहा होगा, उस लाइन का जो इक्वेशन है वो ये है, हैंस प्रूव लिख दो एच पी। क्वेश्चन नंबर 19, ये है आपका पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना हमको, एक्सिस के बीच में है और ये जो आर पॉइंट है एच के, वो उस लाइन सेगमेंट को एक्सिस के बीच में जो है उसको 1:2 में डिवाइड करता है, तो उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो पहले। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो ये एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, इसको आर पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक्सिस के बीच में। जी यहाँ पर एक आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब M1 = 1 और M2 = 2 है। इधर का 1 पार्ट, इधर का 2 पार्ट, कुछ भी ले सकते हैं, ये ए है और ये बी है। तो आपको इस लाइन का जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करना है। 1:2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को आर पॉइंट, और इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है आपको H, K। तो आपको इस ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ए बी लाइन के इक्वेशन के लिए अपने को ए और बी के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही अपने पास में ए और बी के कोऑर्डिनेट आ जाए तो हम 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, y-y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1 वाला जो अभी यूज किए थे। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं सपोज कर लिया, अब इसमें एच और के दिया, तो अपन यहाँ तक का एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट ए ले सकते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0, और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट 0, b ले लेता हूँ मैं, 0, b। ये ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले एच और के टर्म में सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। फिर जैसा अभी अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखे थे, ऐसा ए और बी की वैल्यू रख देंगे एच और के टर्म में, तो इक्वेशन आ जाएगा। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। 11th क्लास 10th क्लास में प्रूफ कर लिए सेक्शन फॉर्मूला। x = M1x2 + M2x1 / M1 + M2। तो x के प्लेस पे रखेंगे हम h, M1 के प्लेस पे 1, M2 के प्लेस पे 1, ये x1 y1, ये x2 y2। M1 1 x2 0 + M2 2 x1 a / M1 + M2 1 + 2, इसको सॉल्व करो। सो h = 1 × 0 0 हो गया 2a / 3। यहां से अपने को a की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 3h = 2a, सो a = 3h / 2। अब ऐसे b की वैल्यू निकाल लेते, y कोऑर्डिनेट ले लो, एंड y कोऑर्डिनेट y = M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2। रखो इसमें वैल्यू y के प्लेस पे k, M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2, y2 की वैल्यू b, प्लस M2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू, ये y1 है 0, अपॉन M1 + M2, M1 1 M2। इसको सॉल्व करो, k = ये b हो गया और ये 2 × 0 0 हो गया / 3, तो b = आ गया आपका 3k। देखो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ले लेते, ए बी का इक्वेशन डायरेक्ट वही अपना आंसर हो जाएगा। ए के प्लेस पे 3h / 2 और बी के प्लेस पे 3k रख देंगे बस। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। y - y1 की वैल्यू x1 y1 a से लेंगे और x2 y2 b से, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू आपको b से लेना है, तो y2 हो गया आपका ये b, b माइनस y1 आपको लेना है a से, y1 0, ये रहा 0, आराम से वैल्यू रखना देख के। अपॉन x2 की वैल्यू b से आएगी 0, अपॉन x1 की वैल्यू a से आएगी a,
एन टू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ए, अभी ए और बी की वैल्यू रख देंगे अब, वाई इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए इन टू एक्स माइनस ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, अब ए और बी की वैल्यू रख दो भाई, ये माइनस ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, थ्री एच अपॉन टू, ये निकाल के रखिए अपन ने, थ्री एच अपॉन टू इन टू वाई, बी की वैल्यू थ्री के, ये रहा थ्री के बी, थ्री के, थ्री के इन टू एक्स माइनस ए बी, ए आपका कितना है थ्री एच अपॉन टू, इन टू बी कितना है, बी है आपका थ्री के, आराम से वैल्यू रखना भाई, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो एक इक्वेशन आएगा, वही अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, माइनस थ्री एच वाई अपॉन टू थ्री के एक्स माइनस थ्री थ्री जा नाइन एच के अपॉन टू, सो एच के अपॉन टू वाली टर्म को इधर ले आओ, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, नाइन एच के अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री के एक्स, और ये प्लस थ्री एच वाई को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाएगा थ्री एच वाई अपॉन टू, यहाँ पर टू एलसीएम ले लो पहले, नाइन एच के अपॉन टू, टू एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट साफ हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स के एक्स प्लस थ्री एच वाई, ये टू से टू को कैंसिल कर लो, अब बचा आपके पास नाइन एच के इज इक्वल टू सिक्स के एक्स प्लस थ्री एच वाई, थ्री से डिवाइड कर लो तो थ्री एच के, थ्री टू जा सिक्स के एक्स, थ्री टू जा सिक्स के एक्स प्लस एच वाई, इसको इधर लिख लो तो टू के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू थ्री एच के, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो जो लाइन थी उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन, और एक वेरी लास्ट क्वेश्चन आखिरी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द थ्री पॉइंट्स 3, 0 माइनस 2, -2 एंड 8, 2 आर, तीन पॉइंट्स दिए हुए, तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे अपन तीन पॉइंट को कोलिनियर कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं आपको, वैक्टर वैक्टर से भी कर लेते हैं 12th क्लास में, तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना, पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते, ऐसे अगर पॉइंट आ गए तो ये कोलिनियर हो जाता, अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये दो पॉइंट से जाने वाली पहले एक लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, 3, 0 कोई भी दो पॉइंट, तो मैं पहले दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेता हूँ और थर्ड पॉइंट से उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देता हूँ, अगर इस थर्ड पॉइंट ने ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर, और तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन के अंदर होंगे तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, मैं तीनों पॉइंट को पहले सपोज कर लेता हूँ, लेट ए 3, 0 बी -2, -2 एंड सी 8, 2, ये तीन पॉइंट है, तो पहले मैं ए बी का इक्वेशन निकालता हूँ और उस इक्वेशन से सी पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया तो ए बी लाइन के ऊपर ही आपका सी पॉइंट भी हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन, दो पॉइंट से जनरल लाइन का इक्वेशन रखो इसके अंदर वैल्यू, y माइनस वाई वन की वैल्यू जीरो, y टू माइनस वाई वन, y टू की वैल्यू माइनस टू, y वन की वैल्यू, y टू की वैल्यू माइनस टू, y वन की वैल्यू जीरो, x2 की वैल्यू माइनस टू और x1 की वैल्यू थ्री, x माइनस x1 की वैल्यू थ्री, इसको सॉल्व कर दो, ये y
माइनस टू अपॉन माइनस फाइव हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री, ये माइनस माइनस कैंसल्ड, फाइव को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फाइव वाई, टू का इधर कर लो, टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ब्रैकेट खोल दो, फाइव वाई टू एक्स माइनस सिक्स, सब करके इधर ले आते हैं, तो ये फाइव वाई को इधर कर दो, चलो टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका ए बी का इक्वेशन आ गया। अब इफ द थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन, ये जो थर्ड पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इफ द गिवन पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन पॉइंट सी क्या है, एट कॉमा टू, एट कॉमा टू मस्ट सेटिस्फाई या विल सेटिस्फाई, कुछ भी लिखो, मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्या फाइव टू एक्स, टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन ए बी का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। रख दो इसमें एक्स के प्लेस पे रख दो आप एट और वाई के प्लेस पे टू, टू इंटू वाई के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे एट माइनस फाइव इंटू वाई के प्लेस पे टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एट टू जा सिक्सटीन माइनस फाइव टू जा टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सिक्सटीन माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन कैंसल्ड, सो फाइनली जीरो इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई हो गए। सो दे आर फोर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे आर फोर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस फूड लिख दो। देखो हमने लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करके ये प्रूव किए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, उसको कोलिनियर प्रूव करते थे डिस्टेंस फॉर्मूला या कोई भी चीज से, किसी भी चीज से कर देते, लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन का, तो वो नंबर उसके ऊपर नहीं मिलते। फिर क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो फिर आपको उसको फॉलो करना है, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी तो फिर अपन कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फलाना ढंग का, तो आपको उसी को यूज करना पड़ेगा, ध्यान रख के करेंगे क्वेश्चन। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि हम देखते कॉपियों के अंदर कि बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को कुछ सुनते नहीं, समझते नहीं, और जो उनको करना है वो कर देते, मेहनत करते, टाइम भी खराब करते, सही भी हो जाता, उनको मार्क्स नहीं मिलते, उसमें रीजन वही है कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। अगर इंस्ट्रक्शन गिवन है तो फॉलो करना है, और नहीं गिवन है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं।